नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति टॉपिक्स पर क्लास चल रहा है। इस टॉपिक्स पर अब तक 5 क्लास हो चुके हैं, आज 6th क्लास है। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से स्तनपायी प्राणियों मैमल से प्राइमेट्स का विकास हुआ, प्राइमेट से होमिनवाइड्स का विकास हुआ और होमिनवाइड से होमिनिड का विकास हुआ। होमिनिड की 2 शाखाओं का विकास हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हम जान चुके हैं, आज हम लोग होमो के बारे में जानेंगे। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव, मैन, ह्यूमन। होमो की भी अनेक प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिक बतलाते हैं। होमो के जीवाश्मों के आधार पर, जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर होमो के 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 वर्ग बताए गए हैं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले मनुष्य, द टूल मेकर। इस प्रजाति के जीवाश्म इथोपिया के ओमो नामक स्थान से और तंजानिया के ओल्डोवी गॉर्ज से प्राप्त हुए हैं। इस प्रजाति ने ही सर्वप्रथम औजार बनाना शुरू किया। औजार के बनाने के आधार पर ही मानव की प्रजाति को बंदरों से अलग किया जाता है, क्योंकि बंदर या कोई अन्य प्रजाति औजार नहीं बनाती थी। और औजार बनाने के कारण उनके जो जीवाश्म मिले हैं और उनके जो हाथों की अंगुलियां थी उनमें बंदरों की अंगुलियां से अंतर पाए गए हैं। इनकी औजार बनाने के कारण जो होमो थी उनकी अंगुलियां लंबी होती थी, बड़ी होती थी। तो इससे पता चलता है कि वे औजार बनाते थे होमो। तो यह मानव की बुद्धि को भी बतलाता है और उनके कला को, कौशल को भी बतलाता है। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधा खड़ा मानव, द अपराइट मैन। मानव के विकास के दिशा में यह बहुत बड़ा कदम था कि मानव अपने 2 पैरों के बल पर सीधा खड़ा होने लगा। इसके कारण से उसके हाथों का भी विकास हुआ और उसकी बुद्धि का भी विकास हुआ। अब वह अपने सिर घुमाकर, हेड घुमाकर अपने चारों दिशाओं में देख सकता था, जिसके कारण से वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी जानवरों से अधिक तेजी से उसकी बुद्धि का विकास हुआ। तो यह मानव के विकास के दिशा में, उसके क्रम में एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। इसके जीवाश्म, होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका और एशिया से प्राप्त हुए हैं। होमो की 3री प्रजाति थी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव, बुद्धिमान मानव, द वाइज मैन, द थिंकिंग मैन। वर्तमान जो मानव प्रजाति है वह होमो सेपियंस प्रजाति का ही है। हम लोग जो वर्तमान मानव प्रजाति हैं वह होमो सेपियंस प्रजाति के ही माने जाते हैं, वही स्पेसीज है। तो इस प्रकार से होमो सेपियंस के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे इसका जो क्या परिवर्तन हुआ, क्या विकास हुआ। होमो का जीवाश्मों के आधार पर इसका काल निर्धारण किया जाता है। इस
इसका समय होमो का समय 50 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है वर्तमान से। इसमें होमो सेपियंस सबसे अधिक बाद का है, होमो सेपियंस का सबसे अधिक बाद में इस प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं, मतलब ज्ञानी मानव हो गया, बुद्धिमान मानव हो गया, तो वर्तमान मानव प्रजाति के समान ही उसका विकास हो गया। तो इस प्रजाति के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, समझेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।